Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about vocabulary in context. What is a vocabulary and how we can utilize these the words vocab in our day-to-day conversation, or how we can get the meaning of that specific word in our daily or in our daily writing, or just like if we have some writing paper, or just we have writing context and we want to get the meaning of that specific word, we can utilize that type of words that is being or that are being written in our writing papers or writing materials. हम इनसे कैसे लफ्ज़ का मतलब हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम इन्हें देख सकते हैं. अगर हमारे पास एक टॉपिक है और उस टेक्स्ट के अंदर हमें उसके मीनिंग्स नहीं आते, तो उन स्पेसिफिक मीनिंग्स को हम कैसे हासिल कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम इस वोकैब के अंदर डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि वोकैब क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है. कहते हैं जी, मोस्ट राइटर लीव्स कॉन्टेक्स्ट क्लू एज दे राइट, इट इज आवर जॉब एज द रीडर टू हंट देम डाउन. अब ये राइटिंग क्लूज क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या होते हैं. हमारे पास एक टॉपिक कह लें है, हमारे पास एक पैसेज है, उस पैसेज का हमें कम्प्रीहेंशन बनाना है. इट्स मीन वी वॉन्ट टू मेक अ कम्प्रीहेंशन पैसेज ऑफ दैट स्पेसिफिक राइटिंग. तो देन वी हाउ कैन वी गेट द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. According to this lecture, or according to some writers, that there is necessary clues in writing. कहता है कि कोई ना कोई वहाँ पर clues ज़रूर होगा that will lead you to get the meaning of that passage, जो आपको उस passage का मतलब हासिल करने में मदद देगा, एक lead कर देगा, एक chain बनाएगा उसके. Are you getting my point? जी सर. अगर इसके साथ हमारे पास पैसेज अवेलेबल है और उस पैसेज को हमने मीनिंग से इंटरप्रेट करना है, लेकिन देयर आर सम मीनिंग्स दैट आर नॉट फेमिलियर टू अस, वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम नहीं जानते, मतलब द उन वर्ड्स के मीनिंग का हमें नहीं पता, तो राइटर्स हमें यहाँ पर बताना चाह रहा है कि वी कैन गेट द मीनिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड दैट आर और दैट इज नॉट फेमिलियर टू अस. जो लफ्ज हमारी जान पहचान में भी नहीं है, हम उसका भी मतलब ले सकते हैं. How? कैसे? How does vocabulary in context work? और एक जो vocab है, ऐसे context में कैसे काम करती है? और हम उससे फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखते हैं. First हमारे पास था first one, और second हम देखते हैं इसे क्या कहता है यहाँ पर. जी, सबसे कहता है जी वोकैब क्या है, हमें वोकैब क्या कहती है, वोकैब की बात करता है, तो वोकैब के बारे में क्या कहता है. कहता व्हाट इज वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहले कहता है जी वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक्स, ये वोकैब होगी. और इन कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, हाउ दीज और हाउ दोज वर्ड्स रिलेट टू द वर्ड्स अराउंड देम, और किस तरह वो लफ्ज आपस में एक दूसरे से वाबस्ता हैं, उन्हें हम कॉन्टेक्स्ट कहेंगे. समटाइम ऐसा होता है कि हम एक लफ्ज़ का मतलब जानते हैं और उसी वर्ड के मतलब को हर जगह पर इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, और यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है. अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ड हमारे पास है नाइस, एन आई सी ई नाइस, अगर इस नाइस वर्ड की हम बात कर रहे हैं और एवरीवन नोज दैट इट्स अ पॉजिटिव सेंस, इसकी एक पॉजिटिव मतलब होता है, पॉजिटिव सेंस देता है. नाइस का मतलब अच्छा है, उम्दा है, बेहतर है, ठीक है, ये सेंस हमें मिल रही होती है. लेकिन अगर हम इसे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इस्तेमाल करें तो माइट बी पॉसिबल दैट द सेम वर्ड्स गिव द नेगेटिव मीनिंग्स. यही लफ्ज हो सकता है कि मनफी तासुर दे दे. जैसे कि मैं कहूँ आप में से किसी ने काम नहीं किया और टीचर ने गुस्से से कह दिया वेरी नाइस. अब वेरी नाइस का मतलब अच्छा नहीं है. अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वेरी नाइस कहता है कि बहुत ही घटिया किस्म की बात की जा रही है. यहाँ पर बात समझ आ रही है? जी सर. फिर नेक्स्ट कहता है जी, कहता है जी देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लू. कहता है यहां पर चार मेन टाइप्स होती हैं कॉन्टेक्स्ट क्लूज की. बेसिकली हम रीड आप कह लो कि वोकैब के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्लू पढ़ रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या होते हैं और कॉन्टेक्स्ट क्लूज की टाइप्स क्या होती हैं, हम ये देख रहे हैं. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट को बोलते हैं रिवर्डिंग द वर्ड.
रीवर्डिंग. फिर सेकेंड टाइप है गिविंग इट्स सिनोनिम. थर्ड टाइप है गिविंग इट्स एंटोनिम. फोर्थ टाइप है गिविंग इट्स डिटेल अबाउट द वर्ड. और ये चार टाइप्स हैं, ये फोर टाइप्स हैं जो हमें लीड करती हैं कॉन्टेक्स्ट क्लू में. अगर हमारे पास एक पैसेज है एंड वी वांट टू इंटरप्रेट दैट स्पेसिफिक पैसेज, वी कैन इंटरप्रेट दैट पैसेज हैविंग एनी वन ऑफ दीज फोर टाइप्स क्लूज. इन चार क्लूज में से, इन फोर क्लूज में से हम कोई भी एक तरीका अप्लाई कर उसके ऊपर से अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं. अगर पहला नहीं टाइप काम कर रहा, दूसरा हो सकता है काम कर ले. अगर दूसरा नहीं काम कर रहा, हो सकता है थर्ड काम कर ले. अगर थर्ड नहीं है तो फोर्थ वन काम कर सकता है. हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको. फर्स्ट वन है रिवर्डिंग. व्हाट इज अ रिवर्डिंग? रिवर्डिंग इज व्हेन द ऑथर सेज द वर्ड इन अनदर वे. दैट इज टिपिकल इजियर टू अंडरस्टैंड. ये रिवर्डिंग का मतलब वो चीज है कि राइटर जो है सेम बात को, उसी अपनी बात को किसी और अल्फाजों के साथ कह देता है, लेकिन उनसे ज्यादा आसान होते हैं. जैसे कि यहां पर कहता है जी, रीसेंट. यहां पर कहता है जी रीसेंटमेंट. रीसेंटमेंट है क्या? अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर. अब पहले उसने लिखा रिसेंटमेंट, ये वर्ड लिखा उसने, ठीक है. अब इस वर्ड को उसने मजीद, इस वर्ड की मजीद उसने रीवर्डिंग बता दी. ये है अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर. इसका मतलब हमारे पास है कि ये मजीद हमें बताना क्या चाह रहा है, कि उसी बात को मजीद क्लैरिफाई करना चाह रहा है. अब ये दो कॉमास के दरमियान जो बात की गई है, ये यहां पर देखें, फर्स्ट कॉमा और ये सेकंड कॉमा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेशन. क्या बोलते हैं? अफर्मेशन. AFFIRMATION. अफर्मेशन मतलब कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज के बारे में एक्स्ट्रा मालूमा जो होती है उसे हम अफर्मेशन बोलते हैं, और उसे ही हम रीवर्डिंग कहते हैं. रीवर्डिंग का मतलब है कि पहले वाली लफ्ज को नए लफ्जों से इंटरप्रेट कर देना ताकि आसान लफ्जों में उसे समझ आ जाए. तो लिहाजा रिसेंटमेंट, अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर, इज ऑफन फेल्ट बाय पीपल हु आर पास्ड ओवर फॉर प्रमोशंस. कहते हैं जी गुस्से और तलखी की फीलिंग्स किसकी मतलब है? रिसेंटमेंट अक्सर उन लोगों को आ जाती हैं जो प्रमोशन के चक्कर से या इस प्रोसीजर से गुजरते हैं. लिहाजा व्हाट डज द वर्ड रिसेंटमेंट मीन इन दिस सेंटेंस? तो इस जुमले में रिसेंटमेंट का मतलब क्या होगा? क्यों भाई? एनीवन कोई बता सकता है मुझे यहां पर रिसेंटमेंट का मतलब क्या है? कोई बंदा नहीं बोल रहा यहां पर? हेलो सर, आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज में. मैंने कहा कि रिसेंटमेंट जो है इसका मतलब क्या है? इस गुस्सा वगैरह दिखाना, रिसेंटमेंट. हाँ, रिसेंटमेंट का मतलब, पहले हम रिसेंटमेंट की बात कर रहे हैं. रिसेंटमेंट यहाँ पर रीवर्डिंग के कॉन्सेप्ट में आ रहा है. रीवर्डिंग वो चीज होती है कि पहले हम मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और उसकी मजीद हम आसान वर्डिंग इस्तेमाल कर देते हैं, वही मतलब दूसरे अल्फाजों में, ठीक है. ये हमारे पास रिसेंटमेंट होती है. कहता है जी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या कहता है जी? लेट्स लुक एट दिस सेंटेंस अ लिटिल मोर क्लोजली फॉर अ क्लूज. कहता है इस जुमले को बार बार देखें. अब अगेन वही बात करता है, रिसेंटमेंट अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर. अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर इज ऑफन फेल्ट बाय पीपल हु आर पास्ड ओवर द प्रमोशन. तो यहां पर रिसेंटमेंट का मतलब यहां पर हुआ अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर. ये यहां पर इसका मीनिंग है. तो लिहाजा रीवर्डिंग का मतलब है कि
वर्ड्स को दोबारा नए लफ्ज में लिखना, लेकिन आसान लफ्ज में लिखना ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए. अब हमारे पास है उसकी, यहां पर कहता है, कहता है द क्रूज फैमिली मूव्ड फ्रॉम देयर डिलैपिडेटेड हाउस. ये जो वर्ड है डिलैपिडेटेड, ये यहां पर एडजस्ट होगा. क्या कहना चाह रहा है आपसे, आपसे कहना चाह रहा है द क्रूज फैमिली मूव्ड फ्रॉम देयर डिलैपिडेटेड हाउस दैट वॉज ओल्ड एंड रन डाउन इन टू अ ब्रांड न्यू होम. किसी बच्चे को समझ आई यहां पर डिलैपिडेटेड का मतलब क्या है? हेलो. नहीं सर, दोबारा मेंशन कीजिएगा. मैंने कहा द क्रूज फैमिली मूव्ड फ्रॉम देयर डिलैपिडेटेड हाउस. Dilapidated house that was old and run down. तो यहाँ पर dilapidated का मतलब क्या है? Actually मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह हमने पीछे word देखा था resentment, तो उसका मतलब था हमारे पास feeling of bitterness and anger. तो यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे कि ये word dilapidated है तो इसका meaning क्या है, आप बताएं मुझे. सर जी, जिस मतलब इसका बन रहा है कि घर का कोई हाल ना रहना, खस्ता हाल होना. हाँ जी बिल्कुल. आप जरूरी नहीं कि हम उर्दू बताएंगे, हम इसमें इंग्लिश में से लफ्ज ढूंढना चाह रहे हैं. तो इसका मतलब ये है, ये जो कॉमास के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है वो डिलैपिडेटेड का मतलब है. ठीक है, तो हमें ये डिलैपिडेटेड हिंट क्या दे रहा है? हिंट देता है डिलैपिडेटेड का मतलब है दैट वॉज ओल्ड एंड रन डाउन. इस वर्ड का मतलब नहीं आता था हमें, लेकिन उसने लफ्ज को रिपीट कर दिया किसी और लफ्जों में. क्लियर? फिर नेक्स्ट टाइप आपके पास आती है, यहां पर उसकी बात करता है सिनोनिम. दूसरी टाइप आती है आपकी कॉन्टेक्स्ट क्लियो में सिनोनिम्स. समटाइम ऐसा होता है कि राइटर जो है उसके सिनोनिम इस्तेमाल कर देता है. अब यहां पर वो रीवर्डिंग नहीं करता, डिटेल वर्डिंग नहीं बयान करता, एक लफ्ज को रिप्लेस कर देता है नए लफ्ज के साथ. जैसे कि अ राइटर समटाइम यूजेस सिनोनिम्स कॉन्टेक्स्ट क्लियो टू हेल्प द और टू हेल्प विद हार्ड वर्ड्स. अ सिनोनिम कॉन्टेक्स्ट क्लियो इज वन or two words that mean almost the same as the one that the author does not expect us to know. ये बिल्कुल वैसे ही लफ्ज होते हैं जो उसने पहले बयान किया है, लेकिन वो इतनी तवक्का नहीं रखता कि आसानी से गैस हो जाए. वर्ड वही होता है जो पहले इस्तेमाल हुआ होता है, लेकिन उस वर्ड को वो रिपीट इस्तेमाल करता है, अगेन इस्तेमाल कर देता है, लेकिन किसी और वर्ड के साथ. लेकिन वो हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इसे जल्दी आसानी से समझ आ जाए. अगर वो सिनोनिम ढूंढेगा तो मिलेगा, अदरवाइज उसे नहीं मिलेगा. जैसे कि जुमले के अंदर गौर कीजिएगा, द यंग गर्ल वाज वेरी अलूफ. द यंग गर्ल वाज वेरी अलूफ. तो यहां पर द यंग गर्ल वाज वेरी अलूफ, शी ऑलवेज सीम्ड अनसोशलेबल, अनअप्रोचेबल एंड अनइंटरेस्टेड. अब यहां पर वो अलूफ उसने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है. अब इस वर्ड के उसने नीचे सिनोनिम इस्तेमाल किए हैं. आर यू इन अ पोजीशन टू पॉइंट आउट दैट सिनोनिम्स? आप क्या इस पोजीशन में हैं कि बता दें कि अलूफ के सिनोनिम्स क्या हैं यहां पर? आगे से रिस्पांस तो दो, कोई बच्चा तो रिस्पांस दो मुझे. अलूफ का यहां मतलब क्या है? जुमले पे गौर करें, द यंग गर्ल वॉज वेरी अलूफ, शी ऑलवेज सीम्ड अनसोशलेबल, अनअप्रोचेबल एंड अनइंटरेस्टेड. तो लिहाजा अलूफ का मतलब है कि जो समाजी नहीं है. अनसोशलेबल समाजी नहीं है, जाहिर सी बात है जो समाजी नहीं होगी उससे अप्रोच नहीं हो सकती, अनअप्रोचेबल होगा, और जो अनअप्रोचेबल होगा उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं होगी मुआशरे में, लिहाजा वो तन तनहा अकेला पर्सन या बंदी होगी. तो लिहाजा अलूफ का मतलब अकेला. क्लियर हुआ? जी सर. अब एक और नेक्स्ट क्लू देता है आपको इसी का. क्या कहता है? द यंग गर्ल वॉज वेरी अलूफ, शी ऑलवेज सीम्ड अनसोशलेबल, अनअप्रोचेबल एंड अनइंटरेस्टिंग. ऑल थ्री ऑफ दीज वर्ड्स आर सिनोनिम टू हेल्प अस विद द ओरिजिनल वर्ड अलूफ.
कहते ये तीन ही लफ्ज हैं ये जो लिखे हुए हैं शॉर्ट राइटिंग में, कहते यही वो वर्ड है जो हमें बताते हैं। तो वर्ड अलूफ मीन क्या हुआ? अकेला, तन तनहा, अलोन। कहते जी अब कोशिश करो तुम। नाउ देर आर थ्री ब्रदर्स, ठीक है, दे द थ्री ब्रदर्स बिगेन टू अल्टरकेट ओवर द गेम, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड अ डिस्प्यूट ओवर इट। अब यहां पर कहता है द थ्री ब्रदर्स बिगेन टू अल्टरकेट, कहते तीन भाइयों ने शुरू कर दिया अल्टरकेट करना। अब अल्टरकेट का मतलब क्या है ये हम गेस करते हैं नीचे से। ओवर द गेम, गेम के ऊपर तीनों भाइयों ने अल्टरकेट करना शुरू कर दिया। कहता है दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं था दैट दे हैड अ डिस्प्यूट ओवर इट, कि उन्होंने इसके ऊपर झगड़ा किया। लिहाजा अल्टरकेट का मतलब हुआ डिस्प्यूट करना, लड़ाई करना। ये इस नीचे यहाँ पर डिस्प्यूट का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। क्यों? वो यहाँ बताता है कि पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने ये झगड़ा किया है। तो यहाँ पर इट मीन बिगेन टू अल्टरकेट मतलब बिगेन टू स्ट्रगल और बिगेन टू डिस्प्यूट, उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो अल्टरकेट का सिनोनिम यहाँ पर डिस्प्यूट इस्तेमाल हुआ। क्लियर हुआ? जी सर। हम सेंटेंस में अमूमन लफ्ज का सिनोनिम, लफ्ज की रीवर्डिंग और लफ्ज का एंटोनिम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लफ्ज को समझा सके। जैसे मैं कहूं नॉट गुड, व्हाट डज इट मीन नॉट गुड? मैं कहता हूं इसका सिनोनिम बताएं, क्या हुआ? इट्स बैड या जी बिल्कुल नॉट गुड, बिल्कुल नॉट गुड कंफर्म इट्स बैड, ठीक है। अगर मैं कहूँ नॉट बैड तो फिर क्या होगा इसका मतलब? सर यानी कि ठीक है बट इतना भी ठीक नहीं है। नहीं, इट्स बेटर, कंफर्म बैड बुरा होता है, नॉट बैड बुरा नहीं मतलब कि गुड है, ठीक है। नॉट बैड बुरा नहीं है मतलब कि गुड है, ठीक है। तो लिहाजा सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम उलट बातें इस्तेमाल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है हेलो आवाज आ रही है? नहीं सर डिस्टॉर्शन।